नमस्कार जोहार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। सुबह के समाचार के साथ, बजले गिर दुमका में हुई झमाझम बारिश और ओलावृष्टि का लोगों ने उठाया लुत्फ। बजले के झारखंड की उपराजधानी दुमका में बुधवार को झमाझम बारिश के बीच भारी ओलावृष्टि हुई। भीषण गर्मी के बीच बारिश का ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं जिले का मौसम सुहाना हो गया और ओलावृष्टि बच्चों को लेकर बड़ों तक ने आनंद उठाया। तो वहीं दूसरी वो गढ़वा पलामू वाला त्यौहार से अवैध खनन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पीएजी से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के पलामू गढ़वा वाला त्यौहार जिले में हो रही अवैध माइनिंग की जांच को लेकर दायर याचिका जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद प्रधान महालेखागार झारखंड को मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर मामले की जांच की गई है तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तो दूसरी ओर रांची में हल्की बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। गोंडा में 6.3 डिग्री गिरा पारा। झारखंड के राजधानी रांची में बुधवार को देर शाम हुई हल्की बारिश के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हल्की बारिश के बाद ठंडी हवाएं भी चली जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया। रांची में दिन का तापमान 4 डिग्री के करीब पहुंच गया था। बुधवार को अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक बताया गया है। तो दूसरी वो राष्ट्रपति के झारखंड आगमन को लेकर जोरों पर तैयारी। बाबा मंदिर में चयनित पुजारी कराएंगे संकल्प पूजा। भाजपा के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मई को झारखंड दौरे पर आ रही हैं। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। देवघर के बाबा मंदिर में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर मंदिर प्रशासन ने पूजा के लिए सभी प्रकार की तैयारियों को लेकर मंदिर सहायक प्रभारी सहित अन्य कर्मियों को दायित्व सौंपा है। वहीं रांची में IIIT के दीक्षांत समारोह में शामिल होने को लेकर DC SSP ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। तो दूसरी वो CIP काके को जल्द मिलेगा नया OPD भवन। निदेशक वासुदेव दास ने स्थापना दिवस पर की घोषणा। झारखंड की राजधानी रांची के काके स्थित केंद्रीय मन चिकित्सा संस्थान के 106वें स्थापना दिवस पर CIP के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर वासुदेव दास ने बड़ी घोषणा की। बुधवार को आयोजित स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर दास ने कहा कि CIP काके में जल्द ही एक विशाल भवन का निर्माण होगा जिसमें OPD की सुविधा के साथ साथ 500 बेड का अस्पताल होगा। इसमें न्यूरो सर्जरी की भी सुविधा होगी। इसके तैयार हो जाने के बाद झारखंड बिहार बंगाल के लोगों को दक्षिण भारत के वेलोरो या बेंगलुरु जाने की जरूरत नहीं होगी। तो वहीं दूसरी वो झारखंड के जैक 10th 12th रिजल्ट को लेकर के कब तक आएगा रिजल्ट। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। बजले के झारखंड बोर्ड 10वीं एवं 12वीं रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट को झारखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jackrizalt.com या jack.jharkhand.gov.in पर जाकर जाना होगा। रिजल्ट घोषित होने पर इनसाइड प्रोजेक्ट का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। आपको किस कक्षा का रिजल्ट देखना है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब एक नए पेज पर आपको मांगा गया विवरण दर्ज करके सबमिट करना होगा। इस प्रकार से रिजल्ट एक नए विंडो पर ओपन हो जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों रिजल्ट आ कब रहा है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बजले के झारखंड की तरफ से भी रिजल्ट आने के लिए सभी बच्चे स्टूडेंट काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट आने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि 20 मई तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर रिजल्ट आने को लेकर के बताया जा रहा है कि मई के लास्ट सप्ताह तक भी आ सकती है। तो यानी कि मई के में रिजल्ट आने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। तो दूसरी वो देवघर में दिवाकर झा हत्या मामले में कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी करार दिया। 20 को सुनाई जाएगी सजा। रिटायर फौजी दिवाकर झा हत्याकांड की सुनवाई ADJ संजू भाटिया की अदालत में पूरी हुई। इसमें अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद इस कांड के 12 अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार दिया गया। इन दोषियों को 20 मई को सजा सुनाई जाएगी।
मामला 25 जुलाई 2014 का था। तो दूसरी ओर झारखंड के एनोसेक्का का हेमंत सरकार पर निशाना, सिमडेगा कोलेबिरा विधायक को अगले चुनाव में बदलने की लोगों से की अपील। मजले के सिमडेगा नगर परिषद कार्यालय के निकट झारखंड पार्टी द्वारा स्थानीय समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के मुख्य रूप से झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शाह झारखंड के पूर्व मंत्री एनोसेक्का शामिल थे। एनोसेक्का ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहा चौमुखी विकास, बोले तोरपा विधायक कोची मुंडा। मजले की खूंटी जिला अंतर्गत नरिया के किश्नुपुर में बेलसियागढ़ में से खुदबीर किश्नुपुर तक जाने वाली 3 किलोमीटर सड़क का बुधवार को तोरपा विधायक कोची मुंडा ने शिलान्यास किया। इस सड़क का निर्माण मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करीब 4 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। दूसरी वो पीएम मोदी के नेतृत्व में देश को विश्व गुरु के रूप में पहचान मिली। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार जो कहती है उसे करके दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चौमुखी विकास हो रहा है। पूरे विश्व में आज भारत को विश्व गुरु के रूप में पहचान दिलाने का काम पीएम मोदी ने किया है। करोड़ों गरीब लोगों को मोदी की ओर से वर्तमान में निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। उन्होंने आने वाले समय में मजबूत और स्थायी सरकार देने के लिए लोगों से अपील किया है। तो दूसरी वो झारखंड में 1556 जूनियर इंजीनियर की होगी बहाली। 25 मई से 24 जून तक करें ऑनलाइन आवेदन। इंजीनियर की पढ़ाई करके रोजगार की तलाश कर रहे हैं झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। हेमंत सोरेन की सरकार जल्द ही 1500 से अधिक जूनियर इंजीनियर की बहाली करने जा रही है। अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। इस सरकारी नौकरी के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 25 मई से 24 जून तक डिप्लोमाधारी इंजीनियर आवेदन कर सकेंगे। तो वहीं दूसरी वो चकधरपुर के कमलदेव गिरी हत्याकांड में एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कमलदेव गिरी हत्याकांड में पुलिस ने 33 वर्षीय मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया। आरोपी सिमीदीदी गांव के चौकसाई टोला निवासी स्वर्गीय मोहम्मद यूसुफ का पुत्र है। इस संबंध में चंद्रपुर थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार ने बताया कि 12 नवंबर 2022 को गिरिराज सेना के प्रमुख कमल देव गिरी की हत्या चंद्रपुर ने भारत भवन चौक पर कर दी, जिसके आलोक में एसपी ने एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया था। अनुसंधान के क्रम में आए तथ्यों के आधार पर इस घटना में सहयोग करने के आरोप में मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। छापेमारी दल में चकधरपुर थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक विवेक पाल, विश्वनाथ किश्कू, सुरेंद्र कुमार एवं चकधरपुर थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। तो दूसरी ओर पलामू के एक रेस्टोरेंट में लगी आग तत्काल पाया गया काबू। मेदिनीनगर के एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। शाम को अचानक रेस्टोरेंट के अंदर में से धुआं निकलते हुए देखा गया। रेस्टोरेंट प्रबंधक ने अग्निशमन मशीन से आग को काबू पाया। हालांकि आग लगने से कोई आहत नहीं हुआ है, लेकिन फर्नीचर सहित कई खाद्य पदार्थ को नुकसान पहुंचा है। तो दूसरी ओर आवास पर आपत, 6 माह से नक्शा पास नहीं हो रहा। अवैध भवनों को वैध करने की नियमावली भी अटकी। दूसरी ओर घरों को तोड़ने का माहौल, राजधानी रांची में कई इलाकों में लोगों की आवास पर आफत आ गई है। रांची नगर निगम आरडीए पिछले 6 माह से भवनों का नक्शा स्वीकृत नहीं कर रहा है। एक वर्ष पहले जिन भवनों का नक्शा निगम से स्वीकृत हुआ उसकी प्रति भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। इस वजह से घर बनाने के लिए बैंकों से लोन नहीं मिल रहा है। नक्शा पास करने में पैसे के लेन देन का मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर नक्शा पास कराने पर रोक लगा दी थी, जो अभी तक बरकरार है। रांची सहित राज्य के सभी नगर निकायों में 7 लाख से अधिक अवैध भवनों को नियमित करने की नियमावली भी अटक गई है। तो सदर अस्पताल में पहली बार चिकित्सकों ने किया टोटल नी रिप्लेसमेंट। 69 वर्षीय अन्य 78 साल के रोगी का किया गया सफल ऑपरेशन। सदर अस्पताल में बुधवार को पहली बार टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का अंजाम
दिया गया। यह राज्य का पहला जिला अस्पताल बना जहां घुटने का प्रत्यारोपण शुरू किया गया है। हो सरकारी व्यवस्था के तहत रिम्स के बाद यह रांची का दूसरा अस्पताल बन गया है। दरअसल डोरंडा निवासी 69 वर्षीय मोहम्मद हफीज को कई सालों से दोनों घुटनों में परेशानी थी। दर्द इतना ज़्यादा था कि वह चलने से असमर्थ थे। अस्पताल में डॉक्टर मुजफिल ने संपर्क में आने के बाद उन्होंने प्रत्यारोपण का मन बनाया। सर्जरी आयुष्मान भारत योजना के तहत बिल्कुल निःशुल्क किया गया। अब मोहम्मद हफीज बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुजफिल डॉक्टर प्रभात रंजन ने किया। तो दूसरी ओर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि किसानों को यदि योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा तो अफसर जिम्मेदार हैं, कार्यशैली सुधारें। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि यदि किसानों को उनसे योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसके लिए अफसर जिम्मेदार हैं, वे अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं। उन्होंने कहा कि राशि का आवंटन और खर्च कर देना ही हमारा काम नहीं है बल्कि किसानों की समस्याओं को करीब से देखने की भी ज़रूरत है। दोस्तों फिलहाल खबरों में इतना ही। यही थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आ रही थी। तो हमें उम्मीद है कि खबर पसंद आएगी। खबरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।